और दो विकेटें गिरी हैं, मोहम्मद इकबाल
और हुए बहुत हुए उठता हुआ स्टोक आठ ओवर के इख्तिताम पर अमजद उर्फ अम्बू आए हैं बैटिंग करने के लिए। ये गुजरात और राज की तरफ से बाउंड्री की तरफ गई पर फील्डिंग की। रूपक कला में ये मैच हो रहा है और इस मैच को सारा आज ऑर्गेनाइज करने के लिए पाक टीवी और पाक इलेक्ट्रिक रिक्शा मियां सफदर ये सारा जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हुआ है ये सारा मियां सफदर की काफियों का नतीजा है। अगर यहाँ बेहतरीन लोकेशन है अगर मियां सफदर ये दिखा सकें थोड़ा सा कैमरे की इस तरफ साथ में समंदर है इस तरफ थोड़ा सा घूम के कैमरे का लोकेशन दिखाएं। बेहतरीन लोकेशन है अच्छा ग्राउंड है अंपायर हैं रियाज आलम जाफरी पाकिस्तान ग्रुप मुबशर आया बॉल करने के लिए राउंड द स्टंप मौलवी आफ्ताब आज इस मैच को पाक टीवी और पाक इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग शॉप मियां सफदर हुआ शॉट कैच होने का खतरा और बट्टी है नीचे और ये कैच और मियां मौलवी आफ्ताब आउट होकर पिच में वापस। एट स्कोर पर तीन खिलाड़ी आओ भैया अब मैं जाऊंगा अंपायरिंग करने के लिए। रियाज भाई आप बैट करो आ रहा चाचा चाचा तू इधर आया ना तो मजा नहीं आ रहा मैच का और नहीं यार नए बैट्समैन सलीम सियालकोट से और बशर ने दूसरे ही बॉल पे विकेट हासिल की मौलवी आफ्ताब की जो बहुत अच्छा खेल रहे थे। अब तीन विकेट के नुकसान पर 80 स्कोर है और ये नौवें ओवर की दो बॉलें हुई हैं। उधर बैट्समैन स्ट्राइक पे और ये रन आउट हो गए। आइए थोड़ी सी लोकेशन दिखाते हैं हम आपको ग्राउंड की हरा भरा घास हरे भरे दरख्त हैं साथ में और ये मियां
पार्क इलेक्ट्रिक और पार्क टीवी की तरफ से ये मैच ऑर्गेनाइज किया जा रहा है हार्ड बॉल का। ये एक अच्छी काविश है कि ग्रीस में भी हार्ड बॉल शुरू की जाए। हमारे दोस्त जो नॉर्वे में है, जर्मनी में है, सारे वो खेलते हैं हार्ड बॉल, तो हम हार्ड बॉल को बहुत मिस कर रहे थे, इसलिए हमने आज ये मैच ऑर्गेनाइज़ किया। ये इंडिया की टीम है, यहाँ 5-6 टीमें ये हर संडे को खेलती हैं। काफ़ी हल्की हल्की आवाज़ चल रही है, मौसम धूप निकली हुई है, खुशगवार मौसम है, संडे का मज़ा ले रहे हैं। अब रियाज आलम जाफरी आए हैं, जो हमारे कैप्टन हैं, वो बैटिंग करने के लिए आए हैं। तो हाँ, रियाज आलम जाफरी आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए, कैप्टन पार्क दुबई ग्रुप के मैनेजर डायरेक्टर और दुबई स्पोर्ट्स क्लब के कप्तान। अभी 9 ओवर हुए हैं और 80 स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर 170-180 भी गुड टोटल। पहली ही बॉल पे गेंद को बाउंड्री की तरफ धकेल दिया, कवर ड्राइव 4 रन, क्या खूबसूरत स्ट्रोक खेला उन्होंने। पहली ही बॉल पे 4 रन के लिए एक बाउंड्री की तरफ खेल दिया, हल्का सा पुश किया, टाइम किया बॉल को और गेंद बाउंड्री की तरफ गई, 4 रन, क्या स्ट्रोक, दिल का स्ट्रोक उनका कप्तान का। ये हमारी टीम में काफ़ी स्ट्रोक प्लेयर माने जाते हैं। दूसरी बॉल फेस की, दूसरी बॉल पे शॉट खेला, 1 रन किया और 1 रन ही बनेगा। अमजद अंबू जो गुजरात रीजन भी खेल चुके हैं, अल रियाज की तरफ से खेलते थे अंडर 19 में। इस ओवर की लास्ट बॉल अमजद, एक रन लिया अमजद ने। Thank you.